नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हरियाणा में इस्तीफा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि राकेश टिकैत ने एक सभा में कहा था कि भाजपा का एक सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में सांसद पद से इस्तीफा दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी से निकलने वाले हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने किसी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा होगी। फिर वो इस्तीफे की गेंद जो है वीरेंद्र डुमरखा के गोद में जाकर गिर गई। आपको पता है कि हरियाणा में पहले दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला को किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए, अब भाजपा के साथ उन्हें गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। इस्तीफा पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा जसपा पार्टी में बनी हुई थी, लेकिन अब वो इस्तीफा पॉलिटिक्स वीरेंद्र डुमरखा के गोदों में चली गई है। सबसे बड़ी बात कि जब ये लगा कि बीजेपी से कोई विधायक या सांसद जो है इस्तीफा दे सकता है, तो हरियाणा में उसका नाम वीरेंद्र डुमरखा के लड़के वीरेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है उनका नाम लिया जाने लगा। हालांकि ये सोशल मीडिया से संबंधित आई न्यूज है, न तो राकेश टिकैत ने उसका खुलासा किया, न ही वीरेंद्र डुमरखा या विजेंद्र सिंह ने इसका खुलासा किया है। अभी तक वीरेंद्र डुमरखा के परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ कि ये बात खबर जो ये बात है ये खबर है ये गलत है या सही है। अभी तक सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा 10 दिन के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी बातचीत की थी। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच राजनीतिक रिश्ता होने के साथ साथ जो है पारिवारिक रिश्ता भी है, पारिवारिक रूप से भी उनकी जो है रिश्तेदारी पड़ती है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि समय समय पर वीरेंद्र डुमरखा जो है किसानों के लिए किसानों के समर्थन में अपनी बात मीडिया के सामने बोलते रहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि नए सिरे से कानून बनाने चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा किसान नेता उस कानून बनाने की कमेटी में शामिल हो। वह तरह तरह के बयान किसानों के समर्थन में उन्होंने दिया था। लग भी रहा था कि उनका नाम लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब जिस तरीके से लंबे समय से उनके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक जिस प्रकार से वीरेंद्र डुमरखा के परिवार या वीरेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है उनकी तरफ से कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है, न ही उन्होंने स्टेटमेंट दी है किसी भी प्रकार से कि वे अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे या भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। देखते आगे क्या कुछ होता है। हरियाणा में 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है या वोटिंग भी हो सकती है। यदि उससे पहले कोई भी सांसद इस्तीफा देता है तो बड़ा खतरा भाजपा को पैदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी सीधा असर पड़ सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर किसानों के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान टाइप करें। अगर मोदी सरकार के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा जय मोदी टाइप करें। धन्यवाद।